सभी दर्शकों को नमन करते हुए चलिए आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, ये वीडियो उनके लिए है जो 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक बेहतरीन भाषण देकर सभी श्रोताओं का दिल जीतना चाहते हैं। जी हाँ दर्शकों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं आपको गणतंत्र दिवस पर बेहतरीन भाषण देना है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दर्शकों, इस वीडियो में गणतंत्र दिवस के हर तथ्यों को बहुत ही संजोकर एक बेहतरीन भाषण तैयार किया है जिसे आप कहीं भी किसी भी महफिल में बोलेंगे तो तालियों की गूंज से पूरा महफिल हिल उठेगा। तो चलिए इस शानदार दमदार वीडियो को शुरू करते हैं। सरलता, सज्जनता, विद्वानता के प्रतिमूर्ति माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परम श्रद्धेय आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकागण और मेरे सभी प्यारे मित्र, आप सबको मेरा नमस्कार। आज गर्व और हर्ष उल्लास के साथ भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस ऐतिहासिक तारीख को हमारा भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था। इसी ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी के बाद भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। अब समझते हैं गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र। गण का अर्थ होता है लोग, तंत्र का अर्थ है सिस्टम, यानी कि लोगों का सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आम लोगों की सरकारें हो, अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही देश पर राज करे। इस गणतंत्र को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र। लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है, यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अभी तो गणतंत्र है यानी जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, परंतु पहले की शासन व्यवस्था कैसी थी? लोकतंत्र इतना जरूरी क्यों है? पहले राजतंत्र था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे उसके पास योग्यता हो या ना हो। राजा के पास ही अनंत शक्तियां रहती थी, वह स्वयं को भगवान समझता था, उसका निर्णय ईश्वर का निर्णय माना जाता था, जिसमें राजा की मनमानी चलती थी। उस व्यवस्था में प्रजा की गुहार सुनने वाला कोई नहीं था, आम जनता को सुनने वाला कोई नहीं था, किंतु अब गणतंत्र में लोगों का शासन है। इस व्यवस्था में जनता सरकार बनाती है और गिराती है। गणतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जिसमें योग्यता होता है वही राजा बनता है। गणतंत्र व्यवस्था के इस शासन में देश को संविधान की भारी जरूरत होती है। संविधान के बिना एक अच्छा प्रशासन स्थापित करना संभव नहीं है। वर्तमान समय में शासकों का संचालन शासकों की इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार नहीं किया जाता, बल्कि प्रशासन का प्रबंध निश्चय नियमों और कानूनों के अनुसार किया जाता है। संविधान उन्हीं नियमों का समूह है जिसमें सरकार की शक्तियां, प्रजा के अधिकारों और इन दोनों के आपसी संबंधों को निश्चित किया जाता है। और इसीलिए तो आजादी मिलने से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई। इसके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं। लागू हुआ ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950 को। मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम को हृदय से कोटि-कोटि नमन करता हूँ। 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय पर्व है। यह राष्ट्र पर्व अवसर है उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का जिन्होंने देश की आजादी के लिए और लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपना बलिदान दिया। यह अवसर है मंगल पांडे, सुखदेव, भगत सिंह, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद को तिलक करने का। यह अवसर है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर
तिलक को नमन करने का यह अवसर है। देश के लिए हंसते हंसते जान न्यौछावर करने वाले सिपाहियों का वंदन करने का यह अवसर है। विविधता में एकता बनाए रखने वाले भारतवासियों को सलाम करने का यह खूबसूरत अवसर है। सीना तान के तिरंगे को सलाम कर जनगणमन गाने का यह अवसर है। गर्व से सीना तान के कहने का, मेरा भारत महान है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में झंडारोहण होता है और भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाता है। इंडिया गेट पर भारत के राष्ट्रपति वीरों को पुरस्कार देते हैं। विदेश से आए मुख्य अतिथि भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हैं। अंत में भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाया जाता है। इसके बावजूद भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां चिंता का विषय बन आज हमारे सामने खड़ी है, जैसे भ्रष्टाचार। देश में आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और है दूसरा चिंता का विषय, सांप्रदायिकता। भारतीय संविधान में देश को धर्म निरपेक्ष रखा गया है ताकि देश के सब नागरिक समान हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेर कर रख दिया है। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज को धर्म और जातियों में बांटने की नीति चलाते हैं, जिसके चलते विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तीसरी चिंता का विषय है खराब स्वास्थ्य सेवा। तेजी अपने पैर पसारती कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग असमय काल के गाल में समा गए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों की सरकारों द्वारा अनदेखी का नतीजा यह है कि मरीजों के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। लोगों को समुचित इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया है। लोकतंत्र की आत्मा जनता राम भरोसे है। और अन्य चिंताजनक समस्याएं हैं बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीति का अपराधीकरण, निर्माण क्षेत्र की अनदेखी, किसानों को फसलों का उचित मूल्य न मिलना। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे आसपास नजर आ जाएंगी। समस्याओं का समाधान करने की दिशा में शासन प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में इससे जुड़े मुद्दे उठेंगे और उसके बाद फिर वर्ष भर लोकतंत्र में जनता पिसती रहेगी और रखवाले सोते रहेंगे। ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसलिए आइए हम सब आज यह प्रण करें कि संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। अंत में दो पंक्तियां कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है, जब तक तुझमें जान है।